फ्लैक्सिड ऑयल को अलसी के तेल के रूप में भी जाना जाता है। इस तेल का उपयोग लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा है। ये तेल हजारों वर्षों से दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों का एक हिस्सा दोस्तों रहा है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप अलसी के तेल का सेवन करते हैं तो आपको क्या लाभ दोस्तों होते हैं। अलसी दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पेट के कैंसर से आपकी रक्षा करने में मदद करता है। अलसी में लिग्नॉन्स होते हैं जो कि कैंसर से बचाव करते हैं, जो कि हार्मोन के प्रति संवेदनशील होते हैं। लिग्नॉन्स उन एंजाइमों को भी ब्लॉक करते हैं जो हार्मोन के चयापचय में मौजूद होते हैं और ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। अलसी दोस्तों खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अलसी के तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड की हाई मात्रा जो होती है, ये LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है और रक्त में HDL के स्तर को बनाए रखता है, यानी कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस तेल का ही नहीं बल्कि आपको एक उचित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। अध्ययनों से दोस्तों पता चला है कि अलसी का तेल अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो आंतों के भीतर की परत में जो सूजन होती है उसको कम कर देता है। अलसी का तेल एक प्रभावी रेचक के रूप में कार्य करता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है जो कि आपकी आंतों के लिए लाभकारी होता है। शोधों के अनुसार दोस्तों अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये अर्थराइटिस में सुबह के समय घुटनों या फिर जोड़ों में जो दर्द होता है, कठोरता होती है, उसको कम करने में मदद करता है। ये सूजन से राहत देने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद आवश्यक फैटी एसिड अर्थराइटिस को ठीक करने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप हर दिन सुबह एक चम्मच अलसी के बीज का सेवन करते हैं तो आपको पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों से राहत मिल जाती है। अलसी में मौजूद दोस्तों फाइबर जो होता है वो आपके पाचन तंत्र को नियमित रखने में सहायक होता है। फाइबर दोस्तों मल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इससे पाचन तंत्र जो होता है ठीक रहता है और आपको कब्ज की समस्या नहीं होती है। अगर दोस्तों आप अपने आहार में पर्याप्त फाइबर को बनाए रखते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल सामान्य रखने में भी आपको मदद मिलती है। दोस्तों कई लोग आई सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं जिसमें हमारी आंखों की जो बाहरी परत होती है उसमें जरूरत के अनुसार लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है। इससे आंखों में जलन होती है। जो लोग दोस्तों इस रोग से पीड़ित होते हैं उनको इस रोग के लक्षणों को कम करने के लिए अलसी के तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अलसी का तेल दोस्तों आपकी बालों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसमें फैटी एसिड, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस तेल का अगर आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो बालों के विकास को ये बढ़ावा देता है और बालों को जड़ने से भी रोकता है। लेकिन दोस्तों आप अलसी के तेल का प्रयोग करें तो कुछ बातों का ध्यान दें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है यानी कि रक्त स्त्राव संबंधी बीमारी है तो उसको अलसी का सेवन नहीं करना है। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आप अलसी का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों ये थे कि अलसी के तेल से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।